राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है और अभी हम खड़े हैं खेरगांव में, जो कि नयागांव तालुकात में आता है। राहुल गांधी काम भी अच्छा करते हैं, अभी दिखने में ही अच्छे हैं। नहीं नहीं काम भी अच्छा करते हैं। मोदी जी नहीं अच्छे लगते? मोदी जी नहीं, राहुल गांधी। अगर ऊपर देखेंगे वहाँ भी तमाम लोग बैठे हुए हैं, छतों पर देखेंगे तो उधर भी बैठे हुए हैं। समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी के लिए इंतजार। क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी से बहुत सी उम्मीदें हैं, बेरोजगारी के ऊपर और आने वाले दिनों के। हमारे पंत प्रधान रहेंगे राहुल गांधी जी। तो देखा यहाँ पर दोस्तों, नारेबाजी जो है वो सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखे डबल जोश, राहुल गांधी से भी ज्यादा जोश तो बच्चों में नजर आ रहा है। यहाँ पर सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इतने उत्सुक दिखाई देते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सारे बच्चे हैं छोटे छोटे और यहाँ पर इन सभी ने हाथ में झंडा ले रखा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है और अभी हम खड़े हैं खेरगांव में, जो कि नयागांव तालुकात में आता है। यहां से नांदेड़ लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि ये नांदेड़ जिले में ही आता है। तो यहां पर देखिए तमाम लोग आपको नजर आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही लोग जो है, जो भीड़ है, जो राहुल गांधी को देखने आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इधर से ही राहुल गांधी की यात्रा निकलने वाली है, आप इधर देखेंगे तो आपको दोनों तरफ यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए दिखाई देंगे और इनके हाथों में कांग्रेस का झंडा भी है। अगर ऊपर देखेंगे वहाँ भी तमाम लोग बैठे हुए हैं, छतों पर देखेंगे तो उधर भी बैठे हुए हैं, मतलब हर तरफ। अच्छा, इधर देखिए महिलाएं हैं बड़ी देर से यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मुनीरा बी सैयद। अच्छा, किस लिए इधर आ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के वास्ते हम ठहरे वाले हैं। राहुल गांधी जी की हम स्वागत में ठहरे वाले। कितनी देर से बैठे हैं? एक घंटे से बैठे वाले हैं। एक घंटे से बैठे? एक घंटे से। अच्छा, राहुल गांधी जी से मिलने वाले हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? यहीं के रहने वाले हैं कहीं दूर? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। कब से बैठे हैं आप? एक घंटा होगा। एक घंटा हो गया। अच्छा, तो राहुल जी से आप भी मिलने वाले हैं? इधर देखिए सभी महिलाएं बच्चियां, इधर सब लोग यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, आप लोग राहुल गांधी से मिलेंगे अगर मान लीजिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे? क्या कहना है, जो अच्छा रहेंगे तो अच्छा बोलेंगे ना, तो दूसरा कुछ नहीं चाहते। राहुल गांधी अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। और बाकी लोग? हाँ, इंदिरा गांधी भी अच्छी थी। अच्छा, वो भी अच्छा। चलिए इधर देखते जाइए आप तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जो सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कि राहुल गांधी आए। और पीछे आप देखेंगे तो पीछे काफिला भी आ रहा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिली होंगी। अभी कल हमने दिखाया कि किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पर लोगों में उत्सुकता देखने को मिली, लोग पागल हुए पड़े थे। वो भीड़ जो हमने दिखाई थी यात्रा निकलने से पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद में जो भी राहुल गांधी के विरोधी हैं, जो भी लोग उनसे नफरत करते हैं, जो भी लोग उनको तमाम तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं, वो सभी चौंक जाएंगे, वीडियो देखकर पागल हो जाएंगे कि इस तरीके का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। इधर देखिए तमाम लोग आपको नजर आएंगे, दूसरी तरफ भी देखिए छोटे छोटे बच्चे और सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनसे कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हेलो। यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? राहुल गांधी के लिए खड़े हैं। खड़े खड़े। अच्छा, तो राहुल गांधी मान लीजिए इधर से अभी निकलेंगे, जब भीड़ इतनी ज्यादा होगी नहीं मिले निकल गए तब? आओ निकलेंगे। चलिए देखते जाइए आप तस्वीरें आगे की जितनी भी है। यहाँ पर सभी बच्चे हैं, सभी लोग हैं। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में उन्हें हम लोग ऐसा अंदेशा लगा रहे थे कि हो सकता है कि उधर समर्थन इतना ना मिले, क्योंकि जो दक्षिण भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत में उनका आधार रहा है पहले से काफ़ी समय से। अब लोकल पार्टियाँ जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, वो प्रभावी हो गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में भी यहाँ पर आप देखिए उसी तरीके का समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी के लिए इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, राहुल गांधी के लिए इंतजार। क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी से बहुत सी उम्मीदें हैं, बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, बहुत सी चीजों से राहुल गांधी के लिए उम्मीद है हमारी। और आने वाले दिनों के हमारे पंत प्रधान रहेंगे राहुल गांधी जी। तो अभी जब ये सत्ता में आ गए तभी उम्मीद है, इससे पहले अभी तो थे नहीं उम्मीद थी? नहीं नहीं, पहले से उम्मीद है उनसे। तो अभी युवा लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या किया उन्होंने? अभी तो थे वो गठबंधन में, भारत जोड़ो अभियान के अंदर उन्होंने हर समाज के लोगों को जो है जोड़ा है, इसलिए जो है हम उनके साथ जुड़े हैं। हम बीड़ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए जयमर की गाड़ियाँ जो है आगे चल रही हैं और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो नेटवर्क है वो जाम कर दिया जाता है।
तो यहाँ देखिए तमाम महिलाएं इधर भी खड़ी हैं, आपको यहाँ दोनों तरफ लोग नजर आएंगे। यहाँ देखिए कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भाई साहब ने फूल भी रखा है, सुनिए जरा। तो देखा यहाँ पर दोस्तों नारेबाजी जो है वो सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखे आप लोग कहाँ से आए हैं? ये बताइए कि ये मूर्ति राहुल गांधी जी को भेंट करने वाले जी? जी, विट्ठल रुक्माई की महाराष्ट्र का प्रतीक जो हमारे जो भगवान है विट्ठल रुक्माई, उनको हम लोग भेंट देने वाले। कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी की जो रैली निकल रही है उसमें कितने लोग आज मौजूद हैं। अब दोस्तों हम बताएं आपको कि यहाँ जो बच्चे हैं, देखिए बच्चों का जोश आप देखिए कि कितना ज्यादा है इनमें, डबल जोश, राहुल गांधी से भी ज्यादा जोश तो बच्चों में नजर आ रहा है। यहाँ पर सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इतने उत्सुक दिखाई देते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इससे पहले शायद ही राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को किसी भी रैली में या कहीं भी इस तरीके का समर्थन मिला हो। अभी आप देखिए इधर भारत जोड़ो यात्री तमाम है साथ में चल रहे हैं, आगे बैंड वाले चल रहे हैं। हम थोड़ा सा एक किनारे रुककर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ से जो यात्रा निकलती है उसका क्या नज़ारा रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी तमाम सारे भारत यात्री आगे आगे निकले हैं और उनके ठीक पीछे महाराष्ट्र में भी सुरक्षा का घेरा बिल्कुल उसी तरीके से है, बल्कि यहाँ पर सुरक्षा का घेरा पहले के मुकाबले और अधिक हो गया है। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी संख्या दुगनी हो गई है और जो घेरा है वो बढ़ाकर और लंबा कर दिया गया है। बीच में आप देखेंगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, पूरा जो रास्ता है बीच में खाली है। जो भी अलग यहाँ स्थानीय लोग हैं वो एक किनारे सड़क के चलते हैं और जो भारत यात्री हैं वो या तो फिर रैली से आगे चलते हैं और या तो फिर राहुल गांधी के पीछे या निकी रैली के पीछे पीछे चलते हैं। और इधर से जो ये लोग आपको भागते दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या स्थानीय लोग हैं, ये राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए दौड़ने को भी तैयार हैं। यहाँ पर इन्हें अपनी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है कि हाँ हमें चोट भी लग सकती है, क्योंकि इधर आप देखेंगे तो जो रास्ते हैं वो ठीक नहीं हैं, थोड़ा सा किनारे, और अक्सर देखा जाता है कि हाँ जो रास्ता होता है रास्ता किनारे की साइड में अक्सर ख़राब ही होता है। लेकिन ये देखिए कि यहाँ बैनर पोस्टर के बावजूद भी यहाँ पर सभी लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और ये देखिए बैनर के नीचे से कैसे ये लोग निकल रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कैसे भी करके बस आगे भागना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। इधर आप देखिए तमाम सारे लोग आपको नजर आएंगे। दोस्तों राहुल गांधी में तो दुगना जोश है ही, वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन बच्चों में उनसे भी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कितने सारे बच्चे हैं छोटे छोटे और यहाँ पर इन सभी ने हाथ में झंडा ले रखा है शिवाजी महाराज का। यहाँ पर देखिए तमाम बच्चे, इन्होंने हाथ में मजीरा भी ले रखा, बजाते हो? बजाओ। अच्छा, और सभी ने यहाँ देखिए टोपी पहन रखी है जिस पर भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ है, सफ़ेद कुर्ते में, सफ़ेद परिधान में है, कुछ लोग कुर्ते धोती में भी हैं। तो हिंदी आती है आप में से किसी को? हिंदी आती है? अच्छा, इन सभी ने आज ये ड्रेस क्यों पहन रखी है? क्योंकि आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की है, इसके लिए वारकरी संप्रदाय सब, श्री गोदेश्वर वारकरी शिक्षण संस्था के बच्चे हैं सब, इसके लिए राहुल गांधी के स्वागत के लिए सब बच्चे के लिए वारकरी संप्रदाय को बुलाया था। इन सभी बच्चों को पता है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के छोटे छोटे बच्चे, राहुल गांधी क्या है उसको पता है, लेकिन पहली बार राहुल गांधी की उसने देखा है। अब राहुल गांधी मिले, देखे? देख लिया? ओ, देख लिया। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, तो यहाँ पर ही बताइए कि आपने मजीरा ले रखा है हाथ में, ठीक है, और इससे पहले अभी तो राहुल गांधी आगे निकल गए, इससे पहले खुश थे देखने के लिए? हाँ थे ना, हम इंतजार कर रहे थे उनका, कल से इधर कर रहे थे। बात हुई राहुल गांधी से? नहीं हुई। बात नहीं हो पाई, केवल देखा आपने? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इधर देखिए, इधर तो जो बच्चे हैं वो तो हैं ही, और इस तरफ देखिए कि कितने सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्होंने राहुल गांधी के लिए एक बढ़िया सा परिधान पहना, हाथों में झंडा लिया उनके स्वागत के लिए, ताकि राहुल गांधी आए और उन्हें देख कर अच्छा लगे। क्या नाम आपका? हमारा समर है सर। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं जी? राहुल गांधी इधर से निकले? हाँ जी। आप उनकी रैली में आए हैं, यात्रा में? जी। क्यों आए हैं? जी, उन्हें अच्छे दिखते हैं, हम इसलिए आए हैं। हमें अच्छे दिखते हैं इसलिए? अच्छे दिखते हैं इसलिए आए हैं। राहुल गांधी काम भी अच्छा करते हैं या दिखने में ही अच्छे? नहीं नहीं, काम भी अच्छा करते हैं। मोदी जी नहीं अच्छे लगते? मोदी जी नहीं, राहुल गांधी। क्यों? राहुल गांधी जी अच्छे काम करते हैं इसलिए। इसलिए
मोदी जी नहीं अच्छे लगते हैं, क्या बात है। चलिए दोस्तों, हम आगे की थोड़ी सी आपको एक झलकियाँ दिखाते हैं और इस वीडियो को फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप एक बार जरा देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो भीड़ है, वो सभी लोग जो हैं वो जा रहे हैं राहुल गांधी के पीछे पीछे। यहाँ पर रैली जो है अभी आगे जा कर के यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे समाप्त हो जाएगी। और एक बात तो तय है दोस्तों कि वोट में भीड़ तब्दील हो पाए या ना हो पाए ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो प्यार है, जो जनता उमड़ कर आ रही है राहुल गांधी को देखने के लिए, और सिर्फ देखने के लिए ही नहीं दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ देखने के लिए आ रहे, देखेंगे आप सब पीछे पीछे भी उनके साथ भी चलते हैं। मतलब 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर रोज चलना ये आम बात नहीं है कि हाँ इस तरीके से सभी, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग उनके साथ में भी चल पड़ते हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ ये प्यार जो है ये वाकई में राहुल गांधी के लिए है, दिखावे का प्यार नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए आप द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।